लोग रहते थे, छह लोग की देखभाल करने के लिए 20 नौकर एक केयर टेकर। 1755 में बंधा हुआ घर है, 264 साल होते। गोवा में पुर्तगीज आए थे, 1510 को गए, 18 दिसंबर 1961, 450 साल और 25 दिन गोवा पर पुर्तगीज लोग ने राज किया। गोवा, दमन और दीव, इंडिया में थे वो ब्रिटिश, ब्रिटिश अलग पुर्तगीज अलग, लेकिन ये घर 1755 ने 264 ईयर्स हो अंदर पहली दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी ने यूज किया हुआ सामान है। पांचवी पीढ़ी अभी है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मड़गांव में रहते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इन्होंने ट्रस्ट बनाया, इसको म्यूजियम बनाया। जो फर्स्ट मैन था वो लॉयर था, वकील, उनका रहन सहन कैसा था देखना है। हिंदुस्तान में लिखा गोवा गवर्नमेंट ने इस घर को हेरिटेज हाउस यानी पुराना घर जाहिर किया है, इसलिए दिखाया जाता है। अंदर ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग गाइडिंग है, और यहाँ पे कौन सा मूवी का वो शूटिंग हुआ, रिकॉर्डिंग गाइडिंग किया हुआ है, आपको देखते देखते सुनते सुनते आगे जाना है। यहाँ पे कौन सी मूवी का शूटिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ी अपनी फिल्म के ऊपर जो प्राचीन लैंप शेड आप पाए वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे चलाने के लिए तेल या धातु का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलना है। पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाई ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बाया छोटी में दरवाजा खुलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से हर संडे को फादर आके प्रेयर करके जाते थे उस समय। दीवार के बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिजाइनर। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते और विवाद होने पर बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बाद कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैंप पेपर थे। ये चीजें पुर्तगाली युग की और कुछ पुर्तगाल से मुक्ति के बाद की हैं। ये सब अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून आगे प्रदर्शित किए गए कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से मोर्चर पर बिछाए गए चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और अच्छी रेशम से बना बेडस्प्रेड मार्गरिया की माँ लॉरा गोम्स फरेरा ने उन्हें तोहफे के रूप में दिया। अब बच्चों का सोने का, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था, इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित हैं तीन सीढ़ियों की कलाकृतियाँ, मार्गरीदा की जीवन, उनकी बेटी जॉर्जीना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे
यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन चैनल और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आया होके आए हैं। इन्हें चलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और एक खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद पेज बिठाई गई है वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देती थी। अलमारी में देखिए, इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाई ओर जो अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे दखैलियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि जैसे सोना वगैरह वो लाकर घर के आगे तक सीटे जिन्हें बालका कहते हैं वहां रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवाल को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा जिसमें घर वाले सब नौकरों दुख की मोह बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद राणे पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाई ओर जो बड़ा छेद है उसे छानकर स्थिति का जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे के ग्रिल नहीं पाए जाते। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मुताई और एक शराब रखने का भी फर्ज दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और तीन थे। वाइन बैरल में एक नल दिखाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। पीनी का इस्तेमाल सर्दी जुकाम और तेज दर्द में राहत पाने के लिए में आ रहा है। स्थानीय लोक कथाओं में पुर्तगाली युग ने अलग सांस्कृतिक मोड़ दिया और कार्नावाल अथवा की प्रथा शुरू हो गई। लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते होता था। अगले कमरे में प्रवेश करें जिसमें आइकॉन चैपल बना हो। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा हो। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत सजाने के उत्कृष्ट रीति इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैनल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। आगे आइए। अब द्वार से होकर गोवा ताकि पानी के पर्याप्त 150 फीट डीप कुएं से इससे पानी उगलना जाता था। वो बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी बैलगाड़ी साइकिल अभी का है। ये बैलगाड़ी है और घोड़ागाड़ी साइकिल से अखन का मना मांगल साइकिल अभी का है गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो हल है जो खेत और नारियल पूंछ को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल दो बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। इंग्लैंड
कॉटन से लाए गए सरकारी हुए बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। देखिए तांबे का अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। ऊपर देखिए चारपाई। ऊपर दीवार पे नजर डालें, आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। सामने देखिए। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है जिसमें नाली बनी है, कपड़ा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। नीचे देखिए का दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाई ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। अभी वो शौचालय देखकर उसी घर में आई। जय हो। मम्मी में आडोरी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। ये करके रखे हैं। वे सेकने के अवरण का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी जो बहुत ही खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है उसके पांच मुंह है। पहले दो खाना पकाने के या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास दो लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं, इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा, इसे रॉक आंगन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी सॉसेजेस आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्ट विनायक की लैटराइट से बनी प्रतिमा है। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। श्री अनंत दामो द्वारा होता था जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक कृषि मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है। इस घर के वासियों का पीढ़ी दृश्य प्रदर्शित है।
पीछे की दीवार, अन्य तस्वीरें अल्वारेस परिवार की पांचवी और छठी पीढ़ियों के हैं। वर्तमान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बहुत ही सरल थे, लेकिन कुछ उत्कृष्ट लोग नमस्ते, विकृत में आपका स्वागत है। गोवा का पहला संग्रहालय, जहाँ हर मूर्ति हर वस्तु जिसमें के मदद से अपने विशेषताएं स्पष्ट करती है, अब उसका करीब लाती है। तो ज्ञान से सुनिए। खम्भे पे बंधा हुआ लकाड़ा कपड़ा एक रस्सी से खींच कर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई होगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और चार समर्थ शरीर वाले कुर्बान पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही यात्रा के खच्चर से तराशा गया है। अंसेस्ट्री गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही यात्रा के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली। आप सबको विष्णु का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट, ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसाय को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। कौन से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्रवृत्ति मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा काम काज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दांड, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्ठी, एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ तीन रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकनी में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में गीत और दिल में उमंग भरी रही थी, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमंग, एक छोटा सा तबला जिसे मिट्टी की मट्टी थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी का लंगर आदि यहाँ प्रदर्शित है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो